उड़ीसा आके हमेशा ना एक सेंस ऑफ जैसे काम और पीस आता है हमेशा. हम जब भी आते हैं तो ऐसे लगता है, क्योंकि मुंबई में इतनी भाग दौड़ है, और हम जब यहाँ आते हैं तो हमें हमेशा ऐसा लगता है कि एक पीस और एक ट्रैंक्विलिटी जो है हमारे अंदर सेटल हो जाती है. और डेफिनेटली हम जब भी आते हैं उड़ीसा तो हम पुरी जी का टेम्पल, और इस बार हम कोणार्क सन टेम्पल भी गए थे. सो वी आर फीलिंग वेरी नाइस. बहुत अच्छा लगा. मैं बीच का बहुत बड़ा फैन हूँ और मुझे पुरी जाके बहुत अच्छा लगता है. कल सुदर्शन पटनायक जी से भी मिले उधर, उनको भी हमने मिले, उनका कल का सैंड स्कल्पचर देखा, हमारा थोड़ा सा प्रोपंजा ली का भी उनको कुछ मर्चेंडाइज प्रेजेंट किया. बहुत अच्छा लगता है. भुवनेश्वर में बहुत कॉम है, लोग बहुत अच्छे हैं. ये हमारा मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा विजिट है. हमेशा यहाँ के मंदिर में जाके माथा टेकते हैं, और पूरी में दो तीन बार दर्शन कर चुके हैं. कल कोणार्क टेम्पल जाके आए. जो उड़ीसा का जो हिस्ट्री और कल्चर है वो अनमैच्ड है मेरे हिसाब से. और जो उड़ीसा टूरिज्म कर रहा है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है. और हम चाहते हैं कि और भी दुनिया के लोगों के सामने जाए, और भी जितना गया है उससे भी ज़्यादा, क्योंकि एक भारत का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है. और जैसे मैंने बोला, कल्चरली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट्स है. तो हमको इधर आके बहुत अच्छा लगता है.